कि प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार की जो कमिटमेंट है जम्मू एंड कश्मीर में विकास के लिए वो बहुत तेजी से चल रही है। और जब कोई मंत्री केंद्रीय आता है, एक तो आपका सुंदर शहर देखने आता है, दूसरा यहाँ जो काम हो रहा है उसको देखने आता है, पर वो अपने विभाग की जो कार्य है, अब मेरे पास इस समय हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स है, हमारी कई केंद्रीय योजनाएं हैं, स्मार्ट सिटीज़ एक है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपके यहाँ कुछ प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। अभी आपकी जो सीईओ है स्पेशल पर्पस व्हीकल की, वो बता रही थी कि 35 और आप टेंडर करने जा रहे हैं और 18 महीने में और भी काम होगा, तो ये केंद्रीय सरकार की तरफ से 3.8 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें 50 कॉलम्स हैं जो आप देख रहे हैं फ्लाईओवर के नीचे, उस पर 37,000 अलग पॉट्स लगाए गए हैं, ड्रिप इरिगेशन से उनको पानी दिया जाता है और 12 अलग स्पीशीज़ हैं जो सारे इंडोर प्लांट्स की स्पीशीज़ होती हैं जो बिना सनलाइट के भी सर्वाइव करती हैं। इसके साथ साथ एक ये जो पीछे आप देख रहे हैं वाटर कर्टन, ऐसी चीज़ों से डस्ट पोल्यूशन कम होता है शहर में। ये कुछ नए इनोवेटिव तरीके हैं जिससे एक अर्बन शहर, अर्बन एरिया में जहाँ जगह की कमी हम देखते हैं आजकल, तो हम यहाँ हरियाली भी ला सकते हैं और हम पोल्यूशन को कम भी कर सकते हैं। मैम, जितना जम्मू स्मार्ट सिटी की बात करें, अगर स्मार्ट सिटी की तर्ज पर जा रहा है और इस तरह के कितने और प्रोजेक्ट हैं स्मार्ट सिटी में, जैसे बीच रोड की बात करें, वहाँ भी प्रोजेक्ट चल रहा है जी, दो दिन पहले जी मोहन जी ने कहा था कि वहाँ भी सेल्फी पॉइंट की तरह प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, तो कितना का प्रोजेक्ट? वो एक्चुअली सेल्फी पॉइंट तो एक अट्रैक्शन है, बट असल में वो प्रोजेक्ट एक पूरा स्ट्रीट का अपग्रेडेशन है। हम देखते हैं कि जो हमारे मेन रोड्स हैं वहाँ यूनिफॉर्म कैरेज वे नहीं है, तो इसका ये मतलब है कि जो एक रोड होती है उसको बिल्कुल यूनिफॉर्म होना चाहिए, तो ये टेक्निकली ट्रैफिक जैम्स को प्रिवेंट करती है। साथ में उस प्रोजेक्ट में ड्रेनेज कंपोनेंट भी है और उस प्रोजेक्ट में टेबल टॉप क्रॉसिंग्स हैं, फुटपाथ्स हैं, ये सारे प्रोजेक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू का जो है उसको बहुत बेहतर